हाय माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे लौकी के फरे। लौकी के फरे को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए हम सब मिलकर के देख लेते हैं सामग्री। तो लौकी के फरे को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक लौकी को कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस हमने ग्रेटर से किया है ताकि पतला पतला ग्रेट हो। तो ये लौकी कद्दूकस करने के बाद आज मैंने इसी कटोरी का मेजरमेंट किया है, तो इस कटोरी से 2 कटोरी लौकी है, 2 कटोरी लौकी, और इसके लिए हमें ज़रूरत है उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी, सेमोलिना जिसको बोलते हैं, ग्राम फ्लोर, ये बेसन, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी, और यह है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 चुटकी हींग। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, तो इसको हम 1 चम्मच ले लेंगे। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक और लहसुन को पीस कर भी ले सकते हैं। ये मैंने पीसी हुई चीनी ली है, ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा हमको इसकी, नमक, और इसके लिए हमें ज़रूरत है तिल की, तो एक तरफ भुनने तिल की भी ज़रूरत होगी, और ये है तड़के के लिए, मैंने कच्चा तिल भी ले रखा है। और उसके बाद है थोड़ी सी काली राई, ये भी हमें तड़के में ज़रूरत लगेगी। ये है नींबू का रस, एक बड़ा नींबू मैंने ले लिया है, पानी, और ये तेल अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फ्राई करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो अभी हम 2 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लौकी को मैंने छील कर धो कर तब कद्दूकस किया था, तो ये लौकी अब इसका पानी हमें निकाल लेना है ऐसे दबा करके। का सारा पानी, जितना हो सके आप सारा पानी इसका निकाल लीजिए इस तरह से। इस तरह से हमने सारी लौकी का पानी निकाल लिया है। अब इस पानी को आप चाहें तो आटा गूंथ लें रोटी बनाने के लिए, क्योंकि लौकी का पानी बहुत ही पौष्टिक होता है, तो इसको हम निकाल के अलग रख लेते हैं। अब हमने आटा गूंथने के लिए इसी थाली का इस्तेमाल किया है। अब हम लौकी, ये सूजी, बेसन, जितनी लौकी रहेगी उसका डबल ये आटा रहेगा, सूजी और बेसन, स्वाद का ध्यान रखिएगा। और ये हल्दी, मिर्चा पाउडर और ये हींग, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसी में हमको स्वाद के हिसाब से चीनी भी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा टेस्ट के लिए इतनी सी चीनी हम डालेंगे, नमक, स्वाद के हिसाब से आप नमक डालिए जो नमक खाते हैं आप। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये बेकिंग पाउडर, माफ़ से बताना भूल गए, रखे थे बगल में ही मगर ध्यान से उतर गया, बेकिंग पाउडर लेना ज़रूरी है, बेकिंग सोडा नहीं लेंगे आप, बेकिंग पाउडर ही लेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, ऐसा बेकिंग पाउडर आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, और प्लास्टिक के डिब्बे में भी आता है, ऑनलाइन भी मिलता है, तो बेकिंग पाउडर भी हम डाल देंगे इसमें।
अब इसके बाद हम इसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तेल रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें पेस्ट लग गया ना इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा, हो सकता है आपको, बस इतना सा तेल डालेंगे। अब पहले इसको हम मिक्स करेंगे हाथ से, और लौकी का सामान बनाते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है, कभी कभी लौकी जो है कड़वी निकल आती है, इसलिए लौकी को चेक कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमें इससे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से हमें आटे को गूंथ लेना है, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के, अभी अभी मैंने शायद कह दिया कि लौकी का डबल आटा होना चाहिए, जब 2 कटोरी लौकी हो तो उसका आधा बेसन और आधा सूजी होना चाहिए, हालांकि आटा तो बराबर ही हो जाएगा, दोनों लौकी के बराबर ही, अगर 2 कटोरी लौकी है तो 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन, और पानी आपको बहुत अच्छे से निकालना है। अब इसका हमें रोल तैयार करना है, लंबा लंबा रोल, जैसे ही आप पातला बनाते हैं ना, कहीं सहंदा बोला जाता है कहीं पातला बोला जाता है, उस तरह से 3 इंच का इसका हमें वो बनाना है। अब पानी हमें रख देना है गर्म होने के लिए, तो पानी रख देते हैं। अभी इसको हमें स्टीम करना है, डायरेक्ट हम इसको डाल देंगे पानी में, तो इस तरह से हम इसको लंबा लंबा इसका रोल तैयार कर लेंगे। जितना बड़ा आपका बर्तन हो, भगोना जितना बड़ा हो उसी हिसाब से इसको हमें उबालना है। इस तरह से हमने रोल बना लिए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्योंकि बर्तन मेरा छोटा है, आप बर्तन के हिसाब से लंबा लंबा रोल आप जैसे एडजस्ट कर पाएँ उसको कर लें। और जो पानी मैंने रखा है गर्म होने के लिए, हल्का हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे पानी में इस तरह से, और ये जो नींबू था, नींबू का रस, इसको भी हम इसी पानी में डाल देंगे, और थोड़ा सा तेल भी इसी में डाल देंगे ताकि हमारे ये जो फरे हैं आपस में चिपके ना। अब पानी जब हमारा उबलने लगे, वैसे पानी हमारा हो गया है, अब हम इसमें इनको आसानी से डाल देंगे, सावधानी के साथ इनको इसी में हमें डाल देना है इस तरह से। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है आई थिंक, देखते हैं। अब इनको हमें 10-12 मिनट, कम से कम 12 मिनट उबलने देना है। को हल्का सा धीमा कर दें, अब इनको हम उबलने देते हैं। अभी 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमारा पीठा, वो सॉरी पीठा बोल रहे हैं, फरा हो चुका है। हम गैस को ऑफ करेंगे, अब इसको हम बर्तन से सावधानी से निकाल लेंगे बाहर। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से, ऐसे हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे फरों को सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अभी हमने सारे फरों को निकाल लिया है,
अब इसको हम पंखे के नीचे ठंडा कर लेते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अभी हमारे फले जो हैं ठंडे हो गए हैं, अब इनको हमें पतला पतला सावधानी से कट कर लेना है इस तरह से। फट जाएगा कभी कभार, ध्यान से, मेरा चाकू जो है तेज नहीं है इसलिए सावधानी से। लौकी का फरा है ना, तो लौकी में रेसे होते हैं तो कटने का डर होता है। सावधानी से इसको काट लीजिए ऐसे। इस तरह से, और इसमें लग जाए अगर तो साफ कर लीजिए इस तरह से। साफ करके काटेंगे तब ये नहीं फटेगा। इस तरह से हम अपने सभी फरों को काट लेते हैं। हमने सारे फरों को कट कर लिया है इस तरह से। इसको कट करने में थोड़ी सी दिक्कत आई है, ध्यान रखिए चाकू खूब तेज़ होनी चाहिए और बहुत अधिक उबलने न पाए, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 मिनट मीडियम फ्लेम में आप उबालेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, सैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, तड़का लगाना है हिसाब से समझिए। तो अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद इसमें हम काली राई, और थोड़ा सा तिल, जो कच्चा तिल है उसको भी हम इसमें ऐसे डाल देंगे। तिल चढ़केगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संभल कर देंगे। हमें सावधानी के साथ पलटना है ऐसे करके, ऐसे चम्मच से, चिमटा से ऐसे पलट दीजिए। आंच धीमी ही रहनी है, नहीं तो नीचे से ये फरे जल सकते हैं। अब नीचे से भी अच्छे से हो जाएं। आसानी से ऐसे निकाल लेंगे। ये फरा हमारा हो चुका है इस तरीके से। इसी तरह से हम अपने सारे फरों को निकाल लेंगे प्लेट में, और बाकी फरों को भी इसी तरह से सैलो फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे सैलो फ्राई ही करना है इसको, डीप फ्राई नहीं। और तरह से अभी हमने सारे फरों को फ्राई कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल के इसकी गार्निशिंग करेंगे, और सफ़ेद तिल, जो भुना सफ़ेद तिल रखा था मैंने, उससे भी हम इसको सजा देंगे, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। और इस तरह से हमारा ये लौकी का फरा जो है बनके तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, सेजवान सॉस के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ, और वैसे ही चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी इसको बनाते वक्त, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो थोड़ा सा ये कभी कभी फटने लगता है, तो ध्यान से इसको काटें तेज़ चाकू से, और 12 मिनट से अधिक ना पकाएं इसको। लौकी जब ग्राइंड करें तो पतली वाले तरफ से ही ग्राइंड करें लौकी को। और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और आप हमारी इस रेसिपी को भी खूब लाइक करेंगे,
और अपने घर पे बनाकर लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। जो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, इस तरह से अगर आप उनको लौकी खिलाएंगे तो वो उसको बहुत ही खुशी खुशी खा लेंगे चाय के साथ। शाम के टाइम पर परिवार वालों के साथ इसको एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।